हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। सब लोग अपने घर को सजाने में, साफ सुथरा रखने में बिज़ी हो गए हैं। गार्डन भी हमारे घर का एक अहम हिस्सा है। लोग अपने प्लांट्स को एक नया लुक दे रहे हैं। और मैं भी नर्सरी गई थी और मुझे वहाँ पे ये प्लांट अच्छा लगा और इसे देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैं इसे ले आई। ये प्लांट अरेलिया फैमिली का ही प्लांट है। इसका ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है। और मैंने सोचा कि इससे मैं एक मिनिएचर फेरी गार्डन बनाऊं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस प्लांट को एक लुक देंगे। हमें इसकी सारी मिट्टी को हटाना होगा क्योंकि ये बहुत चिकनी मिट्टी है। इसे निकाल रही हूँ क्योंकि हमें ये मिट्टी अपने फिश बाउल में यूज़ नहीं करनी है। थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसमें रहने दी है। अब हम अपने प्लांट को एक शेप देंगे। आप ये देखो, मैं इसको छोड़ूंगी और सारे को निकाल दूँ। मेरे पास ये एक फिश बाउल था जो कि नीचे से हल्का सा क्रैक हो गया है। इस वजह से मैं इसमें फिश को नहीं रख सकती और चूँकि इसका शेप बहुत सुंदर है तो मैंने सोचा कि इसका ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नीचे ये चारकोल के टुकड़े डालूँगी। चारकोल जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा। अब मैं इसमें ये परलाइट है और ये कोकोपीट है और ये वर्मी कंपोज है, इसका एक मिक्सचर तैयार करूंगी और उसे मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने वर्मी कंपोज, कोकोपीट और परलाइट का एक मिक्सचर तैयार कर रखा है और मैं इसे इसमें डालने जा रही हूँ।
मैंने इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया है, तो प्लांट को होल्ड करने के लिए मैं इस तरह के छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करूँगी, जिससे मैं इसे डेकोरेट भी कर लूँगी और इसे एक लुक भी दे दूँगी। तो देखा कितना इजी है एक सिंपल से प्लांट को एक नया लुक देना, एक डिफरेंट लुक देना। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।